आबकारी विभाग ने जिले के 8 शराब दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया है। जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि सभी शराब दुकानों में जांच के दौरान शराब विक्रय में अनियमितताओं के चलते सील किया गया है। इन शराब दुकानों से 3 दिनों में 21 लाख रुपए का राजस्व शासन को प्राप्त होता है। जिन शराब दुकानों को सील किया गया है उनमें स्टेशन रोड शराब दुकान, विजय राघवगढ़, सलीमनाबाद, नई बस्ती, देशी शराब दुकान सहित अन्य दुकानें शामिल हैं। 5 देशी मदरा दुकानें और 3 विदेशी मदरा दुकानें, जिसमें विदेशी मदरा दुकान बरही स्टेशन रोड और सलीमनाबाद तथा देशी मदरा दुकान बड़वारा, त्यूरी, नई बस्ती, कटनी कैंप और विजय राघवगढ़। इन मदरा दुकानों पर वृत्त के प्रभारी निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण के वक्त मदरा विक्रेता संबंधी जो अनियमितताएं पाई गई थी उसके आधार पर जिला कलेक्टर महोदय कटनी के द्वारा इसमें दिनांक 9 से 11 सितंबर तक 3 दिन की दुकानों का सस्पेंशन किया गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के कटनी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।